चलिए दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन लगाते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम को अब स्टार्ट करने के लिए वाले हैं। इसमें पहला दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इफ सेटेटा माइनस कोसेटेटा इज इक्वल टू जीरो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेटेटा प्लस कोसेटेटा। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये SSC 2012 में पूछा गया है। तो SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जवाब बहुत जल्दी देना है। इसका जवाब चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो जवाब देने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इसका सॉल्यूशन करने स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा, आप कन्वेंशन मेथड में लग जाएंगे। तो चाहे तो आप कन्वेंशन मेथड से करें या आप शॉर्टकट के थ्रू करें। तो वैसा होना कैसा है, इसको सॉल्व करने के लिए अगर इसको आप सॉल्यूशन निकालने के लिए जाओगे तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करोगे, दे रखा sec थीटा माइनस cosec थीटा, ये जीरो के बराबर दे रखा। तो एक काम कीजिए, sec थीटा बराबर हो जाएगा cosec थीटा के, उस साइड में ले लिया, इसका अपॉन कर लीजिए। तो इसका अपॉन करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, यह रहेगा cos थीटा, इसका उल्टा cos थीटा, वही हो जाएगा sin थीटा। तो cos थीटा बराबर sin थीटा के, तो कौन सी वैल्यू ऐसी होती है जिसमें cos थीटा sin थीटा के इक्वल होता है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसमें cos थीटा sin थीटा के इक्वल होता है, वो है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा 45 पर होता है ऐसा। अब पूछ रहा है sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू, तो sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, रूट टू, प्लस cosec 45 की वैल्यू क्या होती है, ये भी रूट टू होती है। तो आंसर क्या बना, 2√2। जो आंसर हो टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखते हैं दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर दे रखा है पी साइन थीटा, इसमें पी साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है। पी साइन थीटा जो है वो √3 के बराबर है और पी कोस थीटा ये 1 के बराबर है। तो पी की वैल्यू पूछ रहा है, पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो पी किस तरह से निकालेंगे, सोचें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की खुद से कोशिश करें। मैं सॉल्यूशन कराता हूँ बात को, पहले आप इसको अटेम्प्ट करें। इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है, आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे, इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। क्या दे रखा, पी साइन थीटा दे रखा √3 के बराबर और पी कोस थीटा दे रखा 1 के बराबर। आप इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इन दोनों का स्क्वायर करके और ऐड कर दो। जब स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि पी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, ऑब्वियस है, ये हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा प्लस का 1, मतलब ये आ गया 4। यहाँ से पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमने पहले याद कर रखा है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 4, पी की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दे रखा, माइनस 2 दे रखा, नहीं प्लस 2 दे रखा, ये आंसर होगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अगर साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है कोस 3x प्लस 3y के इक्वल है, साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कोस 3x प्लस 3y के इक्वल है, तो टेन 2x प्लस 2y की वैल्यू क्या होगी। अटेम्प्ट करने की खुद से कोशिश करें, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1 होगी, 2 होगी, 1/√2 होगी या √2 होगी, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अच्छा क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैं कराऊंगा आपको, सारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सब SSC में आए हुए हैं और रिपीट करते हैं, और रिपीट नहीं करेंगे तो हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला ही है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो पहले क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करने स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कैसा होता है सॉल्यूशन इसका। इतने एरिया में सॉल्यूशन करना, बहुत तेज सॉल्यूशन करना, आपको बिल्कुल लगातार कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखनी होगी। तो साइन एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, कोस 3x प्लस 3y के। क्या मैं इसको या इसको किसी एक के टर्म में लिख सकता हूँ, मतलब ये कोस को साइन के टर्म में लिख सकता हूँ, जवाब है यस। क्या साइन को कोस के टर्म में लिख सकता हूँ, जवाब है यस। तो किसी एक को लिख लो, तो सपोज दैट मैं इसको लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा 3x प्लस के 3y। ऐसे तो होता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये आपको पता है, ऑल्टरनेट का सब कुछ बता रखा। आप वीडियो देखा, अगर वीडियो नहीं दे रखी है तो आप साइन से साइन कर गया, जब साइन से साइन कर गया तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 90 माइनस 3x माइनस 3y, ये सबका सब इधर चले जाएगा, जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस के 4y इज इक्वल टू 90। आगे सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस के 2y, मैंने 2 कॉमन लेकर काट दिया तो ये हो जाएगा 45। अब मैंने 2 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि मुझे 2x प्लस 2y की वैल्यू चाहिए 10 के टर्म में। तो यहां तक तो हो गया, अब मैं दोनों तरफ 10 ले लूं, तो 10 2x प्लस के 2y 10 45 को हो जाएगा, और 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। कौन सा ऑप्शन 1 को इंडिकेट कर रहा है, पहला ऑप्शन। अगला सवाल क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि √1 प्लस साइन थीटा अपॉन
वन माइनस साइन थीटा प्लस रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये कई बार रिपीट हुआ है एसएससी में ही नहीं, कई एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हल्का क्वेश्चन है, बस थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी बहुत जल्दी सोल्व करना, कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखें। इन दोनों का एलसीएम ले लो, जब इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा और खोल के बता देता हूँ क्योंकि आपको अभी यहाँ स्टडी करनी है। तो वन माइनस साइन थीटा रूट वन प्लस साइन थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा, तो ये चले जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में वन प्लस साइन थीटा के, तो वन प्लस साइन थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस वाले होल स्क्वायर से भी रूट कट जाएगा। यह वन प्लस साइन थीटा, यह वन माइनस साइन थीटा। तो पहले ऊपर देख लेते हैं ऊपर क्या आया, ऊपर आएगा वन प्लस साइन थीटा प्लस वन माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल, वो नीचे हो जाएगा स्क्वायर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या हुआ, ऊपर बचा दो और नीचे निकल का आएगा कोस थीटा। जब कोस थीटा निकल का आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। जब रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नीचे बचेगा कोस थीटा, कोस थीटा जब ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो ये बचेगा टू सेक थीटा। तो आपको मैंने तो बहुत ये एक्सप्लेन करके बता दिया, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन इससे कई गुना फास्ट होनी चाहिए, और आपको ये कैलकुलेशन माइंड माइंड में ही करनी है कि क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए काफी हद तक इसको एक्सप्लेन करके बता दिया। तो टू सेक थीटा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन लगाते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स इतना टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको नजरिया आना चाहिए पहचानने का। तो ये इतने टफ नहीं है क्वेश्चन, दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख के बता सकते हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो आप देख के बता सकते हैं कि इनका आंसर क्या होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें पांचवा क्वेश्चन है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 7/12 है, ये दे रखी है वैल्यू। तो पूछा है sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो sec की पावर 4 थीटा, देखो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे इसका, sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, क्या मैं इसको ये कह सकता हूं स्क्वायर का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कह सकता हूं। बात तो होगी वही है, टू की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, इस टू की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, वही आपको एक्सप्रेशन मिलेगा जिसके बीच में माइनस है। तो बस ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हो गया, तो एक बार जोड़ दो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और एक बार इसको ऐड कर दो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, आइडेंटिटीज मैंने पहले ही दिन आपको पढ़ा दी है, इसकी वैल्यू तो होती है वन, तो ये तो हो गई वन, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7/2, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू आ गई 7/2, जिसका 7/2 है वो बिल्कुल ठीक है, सॉरी 7/12, 2 नहीं है 12 है, तो जिसका 7/12 है वही ठीक है, मुझको 2 लग रहा था सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में दे रखा कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, तो ये 4 की पावर में दे रखा और पूछा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा है, ये भी बेहद आसान है। पहली बात तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, ये आगे हम देखेंगे बात को। पहले कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा को सोल्व करते हैं, देखो कितनी जल्दी सोल्व करेंगे इसको। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, कोस की पावर बिल्कुल जैसा कि मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया सेम वैसे ही कीजिएगा, और माइनस साइन की साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, बस डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लगा दो, कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार आ जाएगा कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो वन होती है, और ये कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस टू थीटा का फॉर्मूला, तो ये कोज टू थीटा का फॉर्मूला है, और कोस टू थीटा का फॉर्मूला एक ये भी होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये दे रखा था। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू कितनी होनी है, अल्टीमेटली वैल्यू तो यही होनी है ना, क्योंकि कोई चेंजेस आए ही नहीं है इसमें, तो वैल्यू जो है सेम ऐसी की ऐसी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि जो इसमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो वन है, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 2/3, पर 2/3 इसकी वैल्यू दे रखी है, जब दे रखी है तो 2/3 इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। दोनों ट्रिक के क्वेश्चन थे, वो बहुत इजी क्वेश्चन थे, आपको ये 10 सेकंड में करने हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन देखते हैं,
चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखा है, इफ cos theta इज इक्वल टू 3/5, cos theta की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो पूछ रहा है sin theta into sec theta into tan theta, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से सॉल्व कराऊंगा आपको, और दोनों मेथड में जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको प्रीफर कीजिएगा, उस पर ही प्रैक्टिस कीजिएगा। sin theta, sec theta, tan theta की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहला तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका क्या है, तो पहले तरीके में क्या है, cos theta कितने रखा, cos theta कितना दे रखा 3/5। अगर मैं इसको ट्राइंगल वाली मेथड से सोल्व करूंगा, ट्राइंगल वाली मेथड से सोल्व करूंगा, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस है 5, तो परपेंडिकुलर कितने हो जाएगा 4 का, तो पूरे परपेंडिकुलर 4 का हो गया, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसी तरह से tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कट रहा है कुछ, हाँ कट रहा है, 5 से 5 गया, 4 4 16 एंड 3 3 9, तो 16/9 इसका आंसर आ चुका है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक मेथड और होता है, इसको सोल्व करके निकलते हैं, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, जगह नहीं है बोर्ड पे इतनी, इसको रफ कर देता हूँ, चलो मैं थोड़े से एरिया में करने की कोशिश करता हूँ। sin थीटा दे रखा, तो sin थीटा को ऐसे रहने दीजिए, cos थीटा, sec थीटा होता 1/cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ आ गया, tan थीटा को कह सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, बिल्कुल कह सकते हैं, ऊपर हो गया sin स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा को तोड़ दो 1 - cos स्क्वायर थीटा में, और नीचे है cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, अलग अलग करके लिख दो, माइनस का 1, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/5, मतलब 3/5 मतलब 9/25 चले जाएगा सबसे ऊपर, 25/9 माइनस का 1, 25 में से 9 निकालूंगा तो बचेंगे 16/9, ये आ गया इसका आंसर। तो ये कन्वेंशनल मेथड है, और ये आपको लग भी रहा होगा थोड़ा लॉन्ग सा हो गया, तो ये आप मत कीजिएगा, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप कोई बात नहीं आप उसको भी कीजिएगा, लेकिन ये शॉर्ट मेथड है, इसमें आपको दिखाई दे जाएगा 3/5 से पता लग जाएगा कि एक जो अगली वैल्यू आने वाली है वो है 4, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से वो 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रखा है, 5 sin θ = 3, देखो 5 sin θ = 3 दे रखा है, मतलब sin θ की वैल्यू दे रखी है 3/5, जाहिर सी बात है जो अगली वैल्यू है ट्राइंगल की वो होगी कितनी 4, तो sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो इसका मतलब बेस कितने का, बेस है हमारा 4 और हाइपोटेनियस कितना 5 का, और जी परपेंडिकुलर कितना है 3 का, तो जब ये वैल्यू आपको पता चल चुकी है तो ठीक है आप sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू निकालिए। sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस कितना 5, बेस कितना है बेस 4, माइनस tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 का और बेस है 4 का, ठीक है ऐसे यहां हो जाएगा 5/4 प्लस 3/4, ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 4, ऊपर बचेगा 2, एलसीएम हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 8, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 को अगर 4 वाइड तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और आप इसको कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं, सेम ये क्वेश्चन भी कन्वेंशनल मेथड से किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग हो जाएगा, और एग्जाम में हमको क्या रहता है, टाइम बचाना रहता है, जितना टाइम अगर आप बचाएंगे उतना ही फायदा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गए, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत इजी है, देखो सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे के सारे पूछे जा चुके हैं एसएससी में, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये मत समझना कि बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसको लगाकर, तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, आप इसको क्वेश्चन को भी लगाएं, इस क्वेश्चन को भी लगाएं, तो पहला ऊपर वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में कौन से एंगल की पॉजिटिव वैल्यू होती है, कौन से की निगेटिव वैल्यू होती है, कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जैसे कि मैंने डिस्कस कर चुका था, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सेक और
कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं। अब इसके अंदर मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि 180 माइनस थीटा में ले रहे हो मतलब 90 का जो है इवन मल्टीपल है या ओड मल्टीपल है। आपको बस ये दो चीजें पता चल गई तो आप क्वेश्चन लगा दोगे। जरूरी नहीं है कि 330 दे रखा हो सकता है यहाँ 1330 दे रखा होता, 1730 दे रखा होता, 1630 दे रखा होता, तब क्या करते आप, तब जो है आपको फिर इस तरह का देखना पड़ता। तो अगर 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, तो 360 जो हुआ वो 90 का इवन मल्टीपल हुआ और 180 जो हुआ ये भी 90 का इवन मल्टीपल हुआ। तो ओड मल्टीपल कौन से हुए, 270 हुआ, 90 हुआ, ये ओड मल्टीपल है। तो ओड मल्टीपल में साइन का कोस हो जाता है और कोस का साइन हो जाता है, टेन का कोट हो जाता है और कोट का टेन हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है। तो इस तरह से चेंजेस आ जाते हैं ओड मल्टीपल में, लेकिन इवन मल्टीपल में ऐसा नहीं होता है। तो बस आपको ये देखना है जो एंगल दे रखा है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहला आप इसको पहचानिए। तो क्वेश्चन क्या है, सेक 330 डिग्री, तो सेक 330 डिग्री जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में होगा या चौथे क्वाड्रेंट में होगा, इस चीज को आपको पहचानना है। तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर जो होते हैं वो 270 से आगे का होते हैं। तो 330 डिग्री 270 से छोटा है या ज्यादा है, तो ये है ज्यादा, 360 से छोटा है, 360 से छोटा है, लेकिन 330 जो है वो 270 से ज्यादा, तो इसका मतलब ये चौथे क्वाड्रेंट में होगा। तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सेक और कोस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो सेक और कोस पॉजिटिव होते हैं तो इसके हिसाब से ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये सेक है और कोस पॉजिटिव होगा। तो ऐसे आंसर देखो जो निगेटिव में दे रखे, तो निगेटिव में ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बस आपको 50-50 चांस कर गया, आपको 50-50 चांस कर गए, क्योंकि दो ऑप्शन जो है आपके बाउंस कर चुके हैं, आपने इनको काट दिया है, तो दो ऑप्शन बचे। हालांकि आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप दो ऑप्शन कैसे निकालोगे। अब देखिए 330 डिग्री है ये, तो 330 डिग्री 360 से कितना छोटा है, तो 30 कम है, तो 360 माइनस थीटा, मैंने कहा 360 जो है वो इवन मल्टीपल है 90 का, तो चेंज नहीं होगा, सेक का सेक, साइन का साइन, कोस का कोस रहेगा। तो 360 माइनस थीटा की टर्म में करो ना आप, ताकि वही रहे वैल्यू। तो सेक 360 माइनस 30 डिग्री, तो हो जाएगा सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 डिग्री की उल्टी होती है, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2, तो इसका मतलब 2/√3 हो जाएगा, ऑप्शन हो गया चौथा। इसमें आपको पेन पकड़ने की जरूरत नहीं, वरना आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, सेक 360 माइनस 30 डिग्री, ये हो जाएगा सेक 30 डिग्री, 1/cos 30 डिग्री, और √3/2 हो गया 2/√3। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, वरना आपको मुंह जबानी बता चुका हूं किस तरह से सोल्व करना। अब ऐसे साइन 11π/6, तो 11π/6 का आपको जो है सोल्व करना है, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, ये है साइन 11π/6, इसको भी आप ऐसे ही ओरली सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ दिमाग लगाते रहिए। 11π/6 है, 11π/6, अगर 12π/6 हो जाता तो 6 से 12 टू टाइम्स कट जाता, 6 से 12 टू टाइम्स कट जाता, टू टाइम्स कटने का मतलब क्या, 2π, और 2π कितना होता है 360 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, 11π/6 है तो 360 से तो थोड़ा छोटा है ना, 360 से थोड़ा सा छोटा है, 360 से थोड़ा सा छोटा है ना 11π/6, और π/6 कितना होता है 30 डिग्री होता, तो इसका मतलब 11π/6 जो है तो 30 डिग्री छोटा है, π/6 तो कम है, 12π/6 होने में π/6 की वैल्यू कितनी कम है, 1π/6 कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये π/6 जो है अगर 1π/6 और होता तो 360 डिग्री हो जाता, लेकिन ये है 11π/6, मतलब 1π/6 कम है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपने बता दिया। अब चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और है क्या साइन, तो चौथे क्वाड्रेंट में किस किस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो होती है सेक और कोस की पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन साइन है तो साइन की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन कट जाएंगे, पॉजिटिव वाले कट जाएंगे, बचा कौन सा निगेटिव वाला, तो या तो यह हो सकता है या ये हो सकता। अब चूंकि साइन की वैल्यू माइनस के 2/√3 में कभी नहीं देखी होगी आपने, तो ये भी खत्म हो गया, तो ऑप्शन क्या बचा, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन ये आपने बिना सोल्व करे, मतलब बिना मेथड फॉर्मूला लगाए आपने इसका आंसर दे दिया, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।